सीता समझ गई कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पति से मिल भी नहीं रही है, और लक्ष्मण इतना संकोची है कि मिलेगा भी नहीं उर्मिला से। तो भाभी ने बुला के कहा कि बेटा इधर आओ। लक्ष्मण ने कहा जी भाभी, वो मेरी कुटिया में बेटा फूलों की डाली रखी है, वो जरा डाली उठा लाओ, माला बनानी है देवताओं के लिए। उनको पता है कि उनकी कुटिया में उर्मिला बैठी है, उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे। उत्साह में भरे हुए लक्ष्मण के भाभी का काम करने जा रहा हूं, खटखट 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 पहुंचे। जैसे ही झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसे, देखा उर्मिला। सोच के देखिए क्या बीती होगी, जिससे बिना बात किए चले आए, जिससे बिना अनुमति लिए चले आए, सप्तपेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपथ खाई थी कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, राम के अनुराग में जिसे छोड़कर चले आए वो उर्मिला, और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्श माना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं चले गए तो कोई बात नहीं, वो लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सामने आए होंगे। उर्मिला खड़ी हुई, मुस्कुराई, रोई नहीं, और मुस्कुराकर क्या बोली, मेरे उपवन के हरिण, मेरे बाग के हिरण, आज वनचारी, मेरा हिरण आजकल जंगल घूम रहा है। इस पर आप माता और उर्मिला को याद करना, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। छोड़ो डरो मत, बांधूंगी। इस मंच पर 3 दिन से मेरे पार्श्व में आशीर्वाद की मुद्रा में शेष नाग के प्रतिनिधि लक्ष्मण लाल खड़े हैं, उनके लिए पहली बार एक पंक्ति पढ़ रहा हूं उमाकांत जी की। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में हर आदमी की परछाई काली है, एक राम ही पृथ्वी पे आए जिनकी उजली परछाई है जिसे लक्ष्मण कहते हैं। ये राम की उजली परछाई है। बाबा ने अच्छी बात लिखी है, बारहीं से निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मेरा एक बड़ा प्रिय कवि है बच्चा, वो लखीमपुर से आगे एक गांव में रहता है, ज्ञान, ज्ञान नाम है उसका, ज्ञान प्रकाश आकुल। ज्ञान ने छंद भेजा, रात सुनिएगा। चारों बच्चे पैदा हुए थोड़े थोड़े अंतर पर, पालने में लिटाए गए कि पालने में लखन वे राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। राम तो लेटते ही चुप हो गए, हल्का सा पालना हिला। वशिष्ठ खड़े हैं, दशरथ खड़े हैं, माएं खड़ी हैं, मंगल स्वस्ति चल रहा है, दृश्य सोचिए कैसा है कि पालने में लखन वे राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। बहुत रोए। राजवैद आए कोई रोग न बता सका तो, राजवैद आए कोई रोग न बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। और लक्ष्मण कैसे चुप हुए रोते हुए, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। और वो नोएडा वाले, मैंने परसों बताए थे आपको कि कुमार जी अपने अपने राम करानी है, इनका क्या हो गया, और छोटे भाई से मुकदमा चल रहा था जमीन का, वो जीत गया। वाह, राम की कहानी सुनेंगे भाई पर मुकदमा करके। नैतिकता को कोई कुआं भी ना मिले जिसमें डूब के मर जाए। दूसरी मां हमारी को सुमित्रा, लक्ष्मण पूछने के लिए गए कि मां मैं अयोध्या में रहूं या भैया जंगल जा रहे हैं उनके साथ चला जाऊं। तो मां ने क्या कहा, अयोध्या, कौन सी अयोध्या, जो पे राम सिया वन जाई। सुमित्रा जैसी मां, लक्ष्मण जैसा प्यारा सा बच्चा, कहती है बेटा जो पे राम सिया वन जाई,
अवध तुम्हार काम कछु नहीं, अवध में तुम्हारा क्या काम है। जहां राम है वहीं अयोध्या है, अवध तुम्हार काम कछु नहीं। और राम तो फिर भी हमारी मां के साथ है, सीता के एक सत्संग है, एक स्नेह की डोर है। माना कि गृहस्थ में नहीं है, तपस्या का जीवन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की सुन तो रहे हैं। और यहां पति पत्नी बैठे हो तो वो इस बात को महसूस करेंगे जो 20 वर्ष 25 वर्ष बिता चुके हैं। एक समय आता है जब आपका कोई प्रेम का बहुत ज्यादा डोर नहीं होती, एक दूसरे के साहचर्य की होती है कि रहनी चाहिए यहीं। और पति को भी लगता है ये रहनी चाहिए और पत्नी को भी लगता है कि रहना चाहिए। हमारे महेश्वर तिवारी ने पंक्ति लिखी है, इस हॉल में बैठी सारी भाभियों को और माओं को समर्पित करता हूं, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। राम के साथ तो फिर भी सीता है। हमारी माता उर्मिला तो अकेली है, उनसे तो पूछा भी नहीं गया है कि अनुमति ली जाए कि नहीं ली जाए। एक दृश्य है चित्रकूट में, जहां पहली बार उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति आई हैं अपनी सास के साथ राम को मनाने। तो सीता तो बड़ी बहन है, बड़ी बहनें छोटी बहनों का हित समझती हैं। लड़कियों में होता है कि छोटी की बात समझ लेती हैं, माता पिता की आवश्यकता नहीं होती, खुद ही कर देती हैं। सीता समझ गई कि उर्मिला आई है और संकोच में अपने पति से मिल भी नहीं रही है, और लक्ष्मण इतना संकोची है कि मिलेगा भी नहीं उर्मिला से। तो भाभी ने बुला के कहा कि बेटा इधर आओ। लक्ष्मण ने कहा जी भाभी, वो मेरी कुटिया में बेटा फूलों की डाली रखी है, वो जरा डाली उठा लाओ, माला बनानी है देवताओं के लिए। उनको पता है कि उनकी कुटिया में उर्मिला बैठी है, उन्हें लगा इस बहाने ही दोनों थोड़ा मिल लेंगे। उत्साह में भरे हुए लक्ष्मण की भाभी का काम करने जाना हूं, खटखट 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 पहुंचे। जैसे ही झोंपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसे, देखा उर्मिला। सोच के देखिए क्या बीती होगी, जिससे बिना बात किए चले आए, जिससे बिना अनुमति लिए चले आए, सप्तपेदी के साथ फेरों में जिसके साथ शपथ खाई थी कि तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, राम के अनुराग में जिसे छोड़कर चले आए वो उर्मिला। और जिसने अपनी बड़ी बहन सीता को आदर्श माना और इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं, वो लक्ष्मण दोनों एक दूसरे के साथ कैसे सामने आए होंगे। उर्मिला खड़ी हुई, मुस्कुराई, रोई नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो खड़ी हुई और मुस्कुराई, और मुस्कुरा कर क्या बोली, मेरे उपवन के हरिण, मेरे बाग के हिरण। क्या बढ़िया बात कही है कलकत्ता वालों, मेरे बाग के हिरण, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी। मेरा हिरण आजकल जंगल घूम रहा है। और अगली पंक्ति क्या बोली, इस पर आप माता उर्मिला को याद करना, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। छोड़ो डरो मत, बांधूंगी मैं तो, देखने आई हूं कि मेरे उपवन में जो हिरण खेलता था वो जंगल में कैसा कूद रहा है। उनका मन बड़ा कर रही है। और लक्ष्मण ने भी कितनी अद्भुत बात कही, लक्ष्मण ने कहा कि तुम मेरी केवल पत्नी नहीं हो, इस पर भी लक्ष्मण को तारीफ देना, आशीर्वाद लेना उनसे कि हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भाभी की बहिना तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम जगत जननी भारतेश्वरी सीता की छोटी बहन हो, उनके योग्य वर हैं राम। त्रैलोक्य का स्वामी तो ऐसी ही पत्नी से साथ वरता, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं इतना योग्य हूं या नहीं हूं कि मैं जगत जननी की छोटी बहन का पति बन सकूं। मैं उस योग्य बनने के लिए जंगल में आया हूं आज, ताकि मैं तेरे योग्य बनूं। भाभी की भगनी तुम केवल अर्थ नहीं मेरे उपभोग, तपने दो वन में कुछ मुझको, बनने दो केवल निज योग्य।
मुझे थोड़ी तपस्या करने दो, अपने लायक बनो। तुम तो कौन हो? मेरी पत्नी थोड़ी हो तुम। तुम पहले सीता की बहन हो, खानदान, और मैं केवल राम के पीछे चलने वाला एक लड़का। मुझे इस लायक तो बनने दो कि सीता माता किसी को परिचय कराएं और कहें कि ये मेरी छोटी बहन का पति है। ऐसी योग्य तो बनने दो।